बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपडेट तो यही है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं तो अब ना सही वो बदल के रही वो, और बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी की ओर से। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान जुड़े हैं, गेस्ट जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी की तरफ से अजय दावले जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टेन पर आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मृणाल पंत जी हैं। सबसे पहले मृणाल जी आपके पास ही मैं आऊंगी, अंतर देखने को मिल रहा था, बार बार सवाल एक ही है, लेकिन इतना अंतर क्या लग रहा है? जो सिटिंग एमएलए थे, नए चेहरे बदलने चाहिए थे, यहाँ कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से ये जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं? नहीं, जो रुझान है वो हमारी आशा के विपरीत है और कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता जिसको अगर हम देखें तो इस तरह का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी भी काफी सारे राउंड बाकी हैं, लेकिन जो लीड का अंतर है उसका अभी खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है। दोनों पार्टियों के वोटिंग परसेंटेज में कितना अंतर है उसका भी अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आज से करीब साल भर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आकर बोल कर गए थे कि मुफ्त की रेवड़ियों जैसी स्कीम, जैसे कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ की थी, उसको इंगित करते हुए उन पर आक्षेप लगा कर गए थे। मुझे लगता है शिवराज सिंह जी ने उसी स्कीम को अपनाया, कांग्रेस की योजना को, और प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट चुनौती देते हुए वही योजना नए नाम से मध्य प्रदेश में लागू की। हो सकता है ये एक कारण रहा हो, उनके इस तेवर को शायद मध्य प्रदेश की जनता ने पसंद किया हो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए, और इस योजना का बेनिफिट तो लोगों को निचले स्तर पर मिला ही है। जो मूल रूप से चोरी की योजना कांग्रेस पार्टी की योजना थी, शायद इसका कुछ स्वाभाविक फायदा भाजपा को दिखाई देता है। पूछ लेते हैं, चोरी की योजना बोल रहे हैं, और साथ ही एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी, देखिए गर्मी बहुत है यहाँ पर, लेकिन सियासत पारा भी जी, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब जश्न का माहौल नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिठाई खिलाती हुए ये तस्वीरें सामने आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव, क्योंकि लगातार जिम्मेदारी इन सभी पर थी, रणनीति इन्होंने बनाई, वो कामयाब होती हुई नजर आई, और उसका असर यह है कि अब खुशियों का दौर यहां पर शुरू हुआ है। बहुत मेहनत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये कहा था कि चुनाव में जितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी उससे पहले नहीं करनी पड़ी थी, इस बार का ये जो चुनाव था ये बहुत मुश्किल था, इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार भी किया था। तो हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं इस वक्त, प्रकाश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा अजय धावले जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अवधेश जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इसके अलावा भी आपको बता दें कि अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, ये क्या हो गया सर, अब तो कोई बदलाव की उम्मीद है अभी भी क्या? निश्चित तौर पर लोकेन्द्र जी, हमें पूर्ण बदलाव की उम्मीद है, और अभी तो मुझे लगता है आधे राउंड भी नहीं हुए हैं, और ये तो रुझान ही है, जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बन चुकी होगी। लेकिन ये आधे राउंड में भी ये स्थिति क्यों हो गई सर, 75 प्लस का आंकड़ा था आप लोगों का? देखिए, अब लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा मैंने कहा अभी तो आधे राउंड हुए और अभी आधे राउंड बचे हैं, तो मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, थोड़ा देर हमें इंतजार करना चाहिए, और एक आध घंटे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। अवधेश जी, ये उम्मीद की थी क्या इस तरह का रिजल्ट आ सकता है? नारे के साथ में हमने कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ में लड़ाई कल की, और प्रदेश में जिस तरह मैं लौट रहा हूं। इसके अलावा मैं एक रिएक्शन जल्दी से प्रकाश जी आपका भी ले लेता हूं। प्रकाश जी, ये तो अनएक्सपेक्टेड दोनों ही राज्यों का रिजल्ट हमें दिख रहा है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड जैसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी थी वो पूरी तरह से अपनी योजनाओं को हितग्राहियों तक, जो उनके हितग्राही थे योजनाओं के, उन्होंने सारा फोकस अपने हितग्राहियों पर किया,
वो चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो। केंद्र सरकार की जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही थी, केंद्र सरकार की जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही थी, मध्य प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं, शिवराज जी की योजनाएं जो थी, लाडली बहना योजना थी, उन्होंने सारी जो जितने भी हितग्राही थे उनका पूरा डाटा भारतीय जनता पार्टी के पास था और उस डाटा को उन्होंने बोर्ड में बदलने के लिए अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया था और इसीलिए उनको हमेशा से भरोसा था शुरू से चुनाव में कि हम बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे, हमारे प्रत्याशी बहुत मार्जिन से जीत के आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है उन लोगों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर संपर्क में रहे। ये एक बहुत बड़ा रीजन भारतीय जनता पार्टी की। लास्ट में आते आते सर, वो कहां 150 की बात ही कर रहे थे, वो कुछ बड़े नेताओं को छोड़ दें तो डिबेट में भी कोई ऐसी 150 प्लस की बात लगती नहीं थी कि आ रही है। देखिए क्या होता है कि जब सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ता है तो संगठन के में की अपनी एक मर्यादाएं होती है और इसलिए हो सकता है कि उनको कोई संकोच रहा हो, लेकिन ये इस जीत के पीछे का जो रीजन अब साफ तौर पर देखने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो योजनाओं का हितकारी हितग्राही वर्ग था उसी को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा टारगेट किया, उनको लगातार फोन से उनसे संपर्क किया, व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा। और जो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री जी के जो भी कार्यक्रम हो, तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए जश्न किस तरीके से मन रहा है, मिठाई का दौर फिलहाल रुक नहीं रहा और जो मेहनत थी आज वो सफल हुई है, तो बड़े नेता लगातार मिठाई खाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो भी मिल रहा है आज तो मिठाई लेकर ही पहुंच रहा है और इतनी बड़ी विक्ट्री ये मिल गई है जो कि पहले भी नहीं मिली थी बीजेपी को, तो उससे जाहिर बात है कि आज जो अश्विनी वैष्णव हो, जो लगातार रणनीति बना रहे थे, रणनीतिकार इस चुनाव के जो रहे शिवराज सिंह चौहान हो, वो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये जो अतुल के पास लौटेंगे, इस बीच कोई बड़ी खबर भी है उसको भी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखते रहिए, आज विक्ट्री साइन, क्योंकि अब बीजेपी का यहां पर मध्य प्रदेश में जो स्पष्टता है वो हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी अब वैसे लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होगा, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो बहुत देर से हम देख रहे हैं कि 50 प्लस बीजेपी चल रही है वहां पर। अब शाम होते होते अगर वो बदल जाए तो अलग स्थिति है, लेकिन उसकी संभावना लगती नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी अब 150 से नीचे बीजेपी आएगी इसकी संभावना भी बहुत कम लग रही है, इसीलिए जो जश्न है वो मन रहा है। प्रदेश कार्यालय में लगातार लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने है, निवास से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हो गई है। वो लगातार पीछे चल रहे थे यहां पर, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, वो चुनाव हार गए हैं। निवास से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दो मंत्रियों की अगर हम बात करें वो पीछे चल रहे थे और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है और अब फग्गन सिंह कुलस्ते का तो रिजल्ट क्लियर हो गया, वो चुनाव निवास से हार चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दो शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं तो उसमें लगातार नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है निवास से इस वक्त, बता दें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बड़ी हार यहां पर हुई है, क्योंकि अभी ज्यादातर जो बड़े नेता थे वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते इस चुनाव को हार गए हैं और उनका एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में जाहिर बात एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो इस चुनाव को हार गए और हार तय है उनकी यहां पर। निवास से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उनकी हार लगभग तय है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार तय है, क्योंकि लगातार वो पिछड़े हुए हैं यहां से और अब मुश्किल है कि वो यहां से जो लीड है वो ले पाएंगे, लेकिन इंतजार अभी हमें कंफर्मेशन का करना होगा। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री में फग्गन सिंह कुलस्ते की अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, बीजेपी मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और रुझान तो यही बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड जो है अपनी जीत दर्ज कराने जा रही है। लेकिन इस बीच में फग्गन सिंह कुलस्ते की जिस तरीके से पिछड़ने की जो बात सामने आ रही है, ये वाकई जो है बीजेपी के लिए और खासतौर पे खुद फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि देखिए कुछ तस्वीरें हैं, बीजेपी में हमने देखा किस तरीके से जश्न बन रहा है, लेकिन कुछ तस्वीर में आपको अब कांग्रेस की भी दिखा देता हूं, क्योंकि कांग्रेस में अब से एक घंटे पहले लगभग यहां पे ढोल नगाड़े और कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन अब वो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे कार्यकर्ताओं ने से जाने के लिए जा रहे हैं और एक
आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम मीडिया कर्मियों के अलावा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अब मौजूदगी काफी कम हो चुकी है। हालांकि जिस जो वॉर रूम में बैठे हुए थे विवेक तनखा, वो भी बातचीत की, तो उस दौरान यही कहा कि जो रिजल्ट आ रहा है कांग्रेस के लिए वो अप्रत्याशी है और वो जनता के बीच में जब थे तो ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी और चिंता का विषय भी उन्होंने जाहिर किया। और साथ में उन्होंने ये कहा कि समीक्षा की जाएगी। हालांकि देखिए ये तस्वीर है जो अब कांग्रेस दफ्तर की है और ये बता रही है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा का जो परिणाम है वो किस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए ये जो अभी हमने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप देखा, जो स्टेडियम था भरा हुआ था वो खाली होने लग गया था धीरे धीरे, अब कांग्रेस दफ्तर की वही स्थिति। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की भी क्या हार होने वाली है, क्योंकि वो भी पीछे चल रहे हैं, 5000 वोटों से हार है और दिमनी में भी ये हार है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता जस्ट में डूबे हुए हैं। दिमनी में भी आपको बता दी कि अभी नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हैं, तीन जगह पर मामला फंसा हुआ है, निवास का, दिमनी का और दतिया का। क्या स्थिति बनती है लगातार उस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन ये जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, ये तीन बड़े नेता अगर अभी पीछे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और उसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो ये क्या इशारा है सर लैंडस्लाइड विक्ट्री में इन तीन नेताओं का पीछे रह जाना, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है इनकी सीटों को लेकर। देखिए इनका सीधा सा ये है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों से इनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था उन विधानसभा क्षेत्रों के साथ के मतदाताओं के साथ कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर इनका संपर्क रहा नहीं है जिस तरह से रहना चाहिए एक प्रत्याशी का, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। और फग्गन सिंह कुलस्ते तो लंबे अरसे से केंद्र की राजनीति में है, नरेंद्र सिंह जी भी लंबे अरसे से केंद्र की राजनीति में रहे हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अपने स्वयं के कुछ व्यवहार से जिस तरह के वातावरण दतिया में बना हुआ था कई दिनों से, वो उसके कारण उनको कार्यकर्ताओं की नाराजगी खास तौर से झेलनी पड़ी है। और दिमनी में तो त्रिकोणीय चतुष्कोणीय संघर्ष है, जातिगत संघर्ष वहां सामने आ रहा है, वहां पर खूनी संघर्ष भी हुआ है, यही हाल निवास का भी है। निवास में जो स्थानीय आदिवासी समीकरण है वो अनुमति नहीं देते कि फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी वहां उम्मीदवार बनाती है। वो पार्टी ने किस रणनीति से उम्मीदवार बनाया है पार्टी बता सकती है, लेकिन स्थानीय जो वहां के समीकरण थे आदिवासी समाज के, उन समीकरणों के अनुसार पूर्व में भी वहां पर उनके परिवार के लोग वहां पर बड़े मतों से चुनाव हारे हैं और उसको पता नहीं क्यों नहीं देखा गया और उनको उतारा गया और इस कारण उनको अभी इस स्थिति से सामना करना पड़ रहा है कि वो ट्रायल कर रहे हैं। और नरेंद्र सिंह जी का जहां तक सवाल है, वो दिमनी विधानसभा क्षेत्र का जो जातिगत समीकरण है उसने उनके चुनाव को कठिन बना दिया है, लेकिन अभी कुछ राउंड बाकी है, हो सकता है कि वो आगे आके राउंड में उनको जीत हासिल हो। लेकिन छत्तीसगढ़ का रिजल्ट प्रकाश जी चौंकाता है आपको? देखिए छत्तीसगढ़ के रिजल्ट अवरुद्ध होगा और इसलिए कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया है। तो अरुण साहु खुश हैं यहां पर और जश्न भी बन रहा है ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, ना सिर्फ राजस्थान में, ना सिर्फ बीजेपी में। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।